क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है। तो फंक्शन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर x साइन बी एक्स। इस फंक्शन की मदद से हमें प्रूव करना है डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र मनफी टू ए डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो मतलब कि हमें फंक्शन को टू टाइम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो फंक्शन लिखते हैं सबसे पहले y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड से डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं dy वाई ओवर डी एक्स, राइट साइड से भी डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं e रेस टू पावर ए एक्स डॉट साइन बी एक्स। तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा कि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो तब उनका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, उसके बाद प्लस का साइन लगाते हैं, सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या बन जाता है हमारे पास ई रेज टू पावर ए एक्स एज इट इज, हमें डेरिवेटिव लेना है साइन का। अब साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज ऑफ एस यानी कॉज ऑफ बी एक्स। अब साइन को छोड़ के इस बी एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं यानी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन टू बी ऑफ एक्स, ठीक है। इसको मतलब मैं स्क्वेयर ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ, प्लस साइन बी एक्स। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेंगे, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है, फिर हम इसकी पावर का अलहदा से डेरिवेटिव लेंगे, ए एक्स का दोबारा भी डेरिवेटिव आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाता है मेरे पास, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू ई रेस टू पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स, और बी एक्स का डेरिवेटिव आ जाते हैं बी, क्योंकि बी कोएफिशिएंट है बाहर आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव वन, तो बी को वन टाइम जरब करेंगे तो बी बन जाएगा, और प्लस आ जाते हैं ये साइन बी ऑफ एक्स और ये ई रेस टू पावर ए एक्स, ए एक्स का डेरिवेटिव आ जाता है ए, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स किसके बराबर आ जाता है, यहाँ से देखें कि ये जो है ना एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है, तो दोनों में से दोनों टर्मों में से ई रेस टू पावर ए एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, तो बाकी मेरे पास रह जाता है ये बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर वन, क्योंकि बाद में हम इस रिलेशन को यूज़ करने वाले हैं, इस वजह से यहाँ पे इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दी। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड से डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे डी ओवर डी एक्स इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, राइट साइड से डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे डी ओवर डी एक्स ई रेस टू पावर एक्स डॉट बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लेंगे अगेन तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो यहाँ पर दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन, तो दो फंक्शंस प्रोडक्ट फॉर्म में मौजूद हैं, तो यहाँ पे अगेन हमें प्रोडक्ट फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, और सेकेंड फंक्शन एज इट इज बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, और डेरिवेटिव ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन का, ओके। अब हम डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो डी स्क्वायर वाई
डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा ई रेस टू पावर ए एक्स तो एज इट इज, यहाँ पे इसका अलग डेरिवेटिव, इस टर्म का अलग डेरिवेटिव, बी कोफिशेंट है तो यहाँ पे चले ब्रैकेट लगा देते हैं, ये बी कोफिशेंट बाहर आ गया और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन बी एक्स, और दोबारा से ये बी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो बी एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा बी, और यहाँ पे लिख देते हैं डॉट बी, प्लस ये ए कोफिशेंट है बाहर आ गया और साइन बी एक्स का डेरिवेटिव, साइन बी एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस बी एक्स, और दोबारा से इस बी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा बी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस ये सारा फंक्शन एज इट इज बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स और इन टू, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव भी एक्सपोनेंशियल होता है, पावर का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे ए एक्स का तो वो आ जाएगा ए, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये टोटल दो टर्म है, ये एक टर्म है और ये वाले सारी एक टर्म है, तो इन दोनों टर्मों में से e रेस टू पावर ए एक्स कॉमन पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ से e रेस टू पावर ए एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, तो कॉमन लेने के बाद डी स्क्र वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्र क्या बन जाता है, e रेस टू पावर ए एक्स आ गया कॉमन, यहाँ से ये बन गया मनफी बी, सॉरी ये b को b से ज़रब करेंगे तो b का स्क्वायर साइन बी एक्स, ठीक है, a को b से ज़रब करेंगे तो ये बनेगा प्लस ए बी कॉस बी एक्स। उसके बाद यहाँ पे देखें कि ये जो a है वो b से भी ज़रब हो रहा है और ये a इस a से भी ज़रब हो रहा है, तो a को b से ज़रब करते हैं तो ए बी कॉस बी एक्स और प्लस आ जाएगा ए स्क्वायर साइन बी एक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम में हम सिमिलर टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, तो डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ई रेस टू पावर एक्स इंटू मनफी बी स्क्वायर साइन बी एक्स। अब यहाँ पे देखें कि ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, ये भी ए बी कॉस बी एक्स है, ये भी ए बी कॉस बी एक्स है, इसलिए इनके कोफिशेंट ऐड हो जाएंगे, तो वन और ये वन, बेसिस सेम होने की वजह से कोफिशेंट ऐड होके बन गए टू ए बी कॉस बी एक्स, और लास्ट वाली टर्म ये वाली रह गई है, इसको लिख लेते हैं ए का स्क्वायर साइन बी एक्स। अब मैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिखता हूँ, अरेंज करके ई रेज टू पावर ए एक्स बाहर ये वाली टर्म पहले लिख लेता हूँ ए स्क्वायर साइन बी एक्स, उसके बाद ये वाली टर्म लिख लेता हूँ टू ए बी कॉस बी एक्स, और ये जो माइनस वाली टर्म थी इसको मैं लास्ट में कन्वर्ट लिख देता हूँ बी स्क्वायर साइन बी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ये वाली जो टर्म मौजूद है ना ए स्क्वायर साइन बी एक्स, इसको मैं ऐड भी कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ए स्क्वायर साइन ऑफ बी एक्स, इसको मतलब ऐड भी कर देता हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ, तो एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करने के बाद डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ई रेज टू पावर ए एक्स इन टू ए का स्क्वायर साइन बी एक्स और प्लस ये टू ए बी कॉस बी एक्स। तो ये जो मैं एडिशन कर रहा हूँ मैं इसको ब्लैक कलर से लिख देता हूँ, ये मैंने ए स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस भी कर दिया और ए स्क्वायर साइन बी एक्स सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और ये लास्ट वाली टर्म मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ मनफी बी स्क्वायर साइन बी एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाता है, तो यहाँ पे देखें सिमिलर टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे ये देखें ये ए स्क्वायर साइन बी एक्स है और ये भी ए स्क्वायर साइन बी एक्स है, तो ये बन जाएगा टू ए स्क्वायर साइन बी एक्स और यहाँ पर ये प्लस का आ गया टू ए बी कॉस बी एक्स, और इन दोनों में से देखें कि ये अगर देखें ये भी साइन बी एक्स है, ये मैं डिफरेंट कलर से इसको ग्रीन कलर से शो कर देता हूँ, ये भी साइन बी एक्स है, ये भी साइन बी एक्स है, इसका मतलब साइन बी एक्स कामन आ सकता है,
और दोनों टर्मों के अंदर माइनस है, तो माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ से साइन ऑफ बी एक्स मैंने कॉमन ले लिया। तो नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स का स्क्वायर e raise to power x, ये इस टर्म से भी जरब हो जाएगा और ये एक्सपोनेंशियल इस टर्म से भी जरब हो जाएगा, तो दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई करवा के लिख लेते हैं। e raise to power x को मल्टीप्लाई करवाते हैं, सबसे पहले 2a square sin bx plus 2ab cos bx, उसके बाद इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इससे भी जरब करवा देते हैं, तो मनफी e raise to power ax इन टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और ये आ गया साइन ऑफ बी एक्स। उसके बाद यहाँ पे देखें कि इस टर्म में से और इस टर्म में से 2a को कॉमन ले लेते हैं, तो डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से 2a कॉमन आ गया e रेस टू पावर ए एक्स, तो ये देखें इस टर्म में से 2a कॉमन आ गया, तो बाकी रह जाएगा a साइन बी एक्स, और यहाँ से भी 2a कॉमन रह गया तो b cos bx, ठीक है। मैं इस एक्सपोनेंशियल को sin bx के साथ लिख लेता हूँ, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन टू e रेस टू पावर ax sin bx, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लीकेशन कर दिया। उसके बाद अब ये वाला जो रिलेशन हमें नज़र आ रहा है, ये वाली जो चीज़ है, ये किसके बराबर हमने प्रूव की थी, a sin bx प्लस b cos bx, ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे लिया था फर्स्ट डेरिवेटिव। यहाँ पे ये देखें, ये जो इक्वेशन नंबर वन थी e raise to power ax b cos bx plus a sin bx, ये बराबर था हमारे पास dy over dx के बराबर था, इसका मतलब ये d square y divided by dx square, देखिए 2a तो बाहर आ जाएगा, और ये इसके साथ ये वाली जो टर्म है ना, यहाँ से यहाँ तक ये सारी की सारी ये बराबर आ गई डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, उसके बाद माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं कि ये जो टर्म बाकी है ई रेस टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये किसके इक्वल थी, ये हमारा गिवन फंक्शन था वाई के बराबर। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको गिवन फंक्शन, ठीक है, स्टार्ट के अंदर ये जो फंक्शन नजर आ रहा है e raise to power ax sin bx, this is equal to y, मतलब इसकी जगह पे अगर ये वाली फॉर्म मौजूद हो, इसकी जगह पे y को पुट किया जा सकता है, तो मैं y को रिप्लेस करवा देता हूँ, तो y यहाँ पे पुट हो गया, ठीक है। अब d square y dx square, अब ये वाली टर्म देखें, यहाँ प्लस हो रही है, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगी, और ये वाली जो टर्म है माइनस हो रही है तो लेफ्ट पे जाएगी तो प्लस हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन टू आ गया वाई, तो इक्वल टू कुछ भी नहीं रह गया तो जीरो रह गया, तो हेंस प्रूव्ड।